खबर है कोलंबो से। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने शनिवार को कहा कि मध्यवर्ती वस्तुओं के बढ़ते आयात और प्रेषण की गिरावट के कारण जून में श्रीलंका के व्यापार में तेजी आई है। जून के लिए CBSL की बाहरी क्षेत्र की प्रदर्शन रिपोर्ट से पता चला है कि माल का निर्यात और आयात क्रमशः 12.6% और 57.2% बढ़ा है। देश का व्यापार घाटा 62.2 करोड़ डॉलर रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में 16.1 करोड़ डॉलर था। आंकड़ों से पता चला कि ईंधन, कपड़ा और कपड़ा वस्त्र, रासायनिक उत्पाद और आधार धातु जैसे मध्यवर्ती सामान आयात में वृद्धि के लिए प्रमुख योगदान रहा है। इस बीच जून में देश का निर्यात मात्रा पूर्व महामारी के स्तर को पार कर गया, जिसमें औद्योगिक निर्यात से राजस्व में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई। हालांकि जून के महीने में श्रमिकों के प्रेषण में 16% की गिरावट आई है। जून के अंत में श्रीलंका का सफल आधिकारिक भंडार 4.1 बिलियन डॉलर रहा है, जो 2.6 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त था।